नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। नर्सिंग से संबंधित लगातार अपडेट आ रहे हैं दोस्तों। एक और अपडेट है, एक और जिले का ये अपडेट है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पूरी जानकारी क्या है वीडियो में। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो यूटीपी आधार पर जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी, अर्जेंट टेम्परेरी बेस के आधार पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उनको लेकर के एक आदेश निकाला गया है उन कार्मिकों को हटाने को लेकर के। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पूरी जानकारी क्या है वीडियो में। ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। चित्तौड़गढ़ से ये आदेश निकाला गया है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिले से 1 तारीख को ये आदेश निकाला गया था। विषय आप इस प्रकार से देख सकते हो, नियमित कार्मिकों नर्सिंग ग्रेड द्वितीय और एनएम के कार्य ग्रहण उपरांत यूटीबी अस्थायी आधार पर कार्यरत कार्मिकों की सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त किए जाने बाबत। ठीक है दोस्तों, समाप्त किए जाने बाबत। तो इनको जो यूटीबी आधार पर जो लगाए गए कर्मचारी हैं, उनको उनकी जो सेवाएँ हैं उनको समाप्त करने को, यानी कि उनको हटाए जाने को लेकर के चित्तौड़गढ़ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से आदेश निकाला गया है चित्तौड़गढ़ जिले से। और इसको लेकर के आप देख सकते हो क्या है पूरी जानकारी। और यह आदेश इस प्रकार से भेजा गया है, समस्त खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चित्तौड़गढ़ जिले, इन यहाँ भेजा गया है, इनको जल्द से जल्द हटाए जाने के आदेश दिए गए हैं। अब क्यों हटाए जाने के लेकर के आप बोलोगे, तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हो, अभी नए कार्मिक जो पदस्थापित हुए हैं, जो 2018 वाले जो अभ्यर्थी थे उनको भी, तो जैसे ही इनको पहले ही बता दिया गया था कि नए कार्मिक उपलब्ध होने तक ही आपकी सेवाएं ली जाएगी, उसके बाद में आपको हटा दिया जाएगा। तो इसको लेकर के अपडेट था। इसमें आप देख सकते हो, ये कुछ जानकारियाँ भी दी गई हैं कि कोई गलत ना समझे, क्योंकि उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था इसको लेकर के। तो दोस्तों ये अपडेट था। और इसके अलावा काफ़ी अभ्यर्थी ये ना सोचे कि जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है उनको भी हटाया जाएगा, तो अभी उनके लिए कोई अपडेट नहीं है, उनको नहीं हटाया जाएगा। ये जो पहले लगाए गए थे अभ्यर्थी थे, जो यूटीपी आधार पर जो एनएम जीएनएम जो अभ्यर्थी थे पहले, ये कोविड स्वास्थ्य सहायक वाले अभ्यर्थी नहीं है। सीएचए को लेकर के आदेश नहीं निकाला गया है, ये ओनली जो पहले लगाए गए थे मई के आसपास में, तो उनके लिए ये आदेश लागू होगा। और अभी तो ये उनके लिए भी लागू नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो जो पदस्थापन किया गया था 2018 का, उसको रोक लगा दी गई है। तो अभी तो अभी 2-4-5 दिन तो देखते हैं क्या अपडेट निकल के आता है, उनकी जो पदस्थापन है उनकी क्या प्रक्रिया रहेगी आगे की, उन सभी बातों को लेकर के। ये क्या कि जैसे ही पहले तो पदस्थापन जारी हो गया था, काफ़ी ने ज्वाइनिंग भी कर ली थी, तो उस समय ये आदेश निकाल दिया गया जल्दी जल्दीबाजी में, और लेकिन अब उस पर रोक लग गई, तो उस कारण से देखते हैं दोस्तों क्या है। और अभी अपनी जो सेवाएं है जारी रहेगी, और कोविड स्वास्थ्य सहायक के लिए ये नियम लागू नहीं है, ये केवल और केवल जो पहले लगाए गए थे एनएम जीएनएम उन अभ्यर्थियों के लिए ये नियम लागू होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको पता है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जा करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।